चुनावी सभा में। तो पूरे प्रदेश ने भरपूर आशीर्वाद दिया था। आज जब मैं यहां नए भारत के नए आदेश के लिए आपके बीच आया तो सहारनपुर केराना सहित यहां के कोने कोने से पहुंचे इस जन सैलाब से आपकी भावनाएं पूरा देश और देश के पॉलिटिकल पंडित भी भांप गए होंगे। देश के गांव गांव शहर शहर एक मजबूत लहर जो आज दिख रही है वो आप सभी के यूपी के इस चौकीदार पर दिखाए प्रचंड विश्वास का परिणाम है। आपके विश्वास के कारण ही ईमानदार आज आश्वस्त है और भ्रष्टाचारी त्रस्त है परेशान है। आपके विश्वास और साथ के कारण ही नामदारों के आगे कामगार भी सम्मान से खड़े हो पा रहा है। आपके साथ और विश्वास के कारण ही आतंकियों के आकाओं में डर पैदा हुआ है। भाइयों और बहनों, इस बार का चुनाव सिर्फ एक सांसद चुनने के लिए नहीं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं है। नए भारत की नीति और रीति क्या हो, आपके संतानों का भविष्य क्या हो, आपकी बहन बेटियों की जिंदगी क्या हो, इसके लिए ये चुनाव है। विकास देश के सामान्य मानवी का हो या फिर मुट्ठी भर कुछ परिवारों का, इसको तय करने वाला ये चुनाव है। आप जहां हैं वहीं रुकिए, ये जगह छोटी पड़ गई है, आगे आने की कोशिश मत कीजिए। भाइयों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, अब जहां है वहीं, अगर मैं मुझे आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं भी आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं इतनी भीड़ के कारण, तो हम दोनों एक दूसरे की क्षमा मांग लेते हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। भाइयों बहनों, इस चुनाव में एक तरफ आपका ये चौकीदार 5 वर्ष के ट्रैक रिकॉर्ड अपनी नीति और नियत के साथ आप सबके सामने मौजूद है, दूसरी तरफ दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है जिनके पास सिर्फ एक ही नीति है, मोदी हटाओ, और एक ही नियत है, वंशवाद बढ़ाओ, भाई भतीजावाद बढ़ाओ। साथियों, नया भारत आतंकियों को घुसकर मारेगा। आप बताइए, नया भारत आतंकियों को घुसकर मारेगा या पहले की तरह
हर प्रकार के गांव जेलता रहेगा। रांची में बीजेपी